मैं यह बताना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, हमारे माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब तक कुल 13,412 करोड़ रुपयों को महिला सुरक्षा प्रभाग के सभी योजनाओं परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए यह आउटलेट दिया है। सभापति महोदय, इसका विवरण इस प्रकार है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए 3,375 करोड़, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के लिए 531.24 करोड़, स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोरेंसिक्स के लिए 2,080 करोड़, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स के लिए 950 करोड़, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज के लिए 106.75 करोड़, अपग्रेडेशन ऑफ सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज एंड फोरेंसिक डाटा सेंटर इंक्लूडिंग 6 नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरीज एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 354.25 करोड़, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 2,840 करोड़, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 76.5 करोड़, स्कीम फॉर पूर प्रिजनर्स के लिए 60 करोड़, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के लिए 113.76 करोड़, वुमेन हेल्प डेस्क के लिए 164.2 करोड़, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीएनए लैब्स इन चंडीगढ़ के लिए 42.84 करोड़, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन सीसीपीडब्ल्यूसी के लिए 224.76 करोड़, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड के लिए 200 करोड़, दिल्ली पुलिस स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ सोशल वर्कर्स काउंसलर्स न्यू बिल्डिंग विथ वुमेन सेंट्रिक फैसिलिटीज फॉर स्पेशल यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए 38.80 करोड़, नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए 2,254 करोड़। सभापति महोदय, उत्तर तो देना ही पड़ेगा। इस तरह गृह मंत्री जी के अनुमोदन से प्लीज गृह मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं को 13,412 करोड़ रुपए हमारे माता बहन बेटियों को सुरक्षित रहे संबंधित योजनाओं के लिए फंड अलॉकेट किया गया है।